यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के पंजेहरा गांव में एक परिवार पर घर में न घुसकर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना बीती रात की है, जब परिवार वाले अपने ही घर में थे तो उसी दौरान गांव के ही आधा दर्जन के करीब लोग उनके घर में घुसे और उनके ऊपर तेजधार हथियारों और डंडों से हमला कर दिया। जो भी बीच बचाव करने आए उसी पर हमलावर हमला करते गए और हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिनको इलाज के लिए नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिन पर अभी भी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। घायलों में एक बुजुर्ग भी शामिल है, जिसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान हैं और 2 दांत भी उनके टूट गए। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। ड्यूटी से जा रहा था ही। मैं ड्यूटी जा रहा था, फिर जब मैं गया ना ही, जब लड़ाई हो रही थी, फिर मैं ही मिलने भी उन्होंने फड़ लिया ही। नहीं, बच्चा बुच्चा चल गया बिच अंदर क्वार्टर च, अंदर खेत च वो बढ़ाई लगे हुए थे, वो साढ़े अंदर बढ़ गए आके, बगल है नहीं था ही, वो उन्होंने आके डंडे डुंडे मारे, कुटते ढाले इन्हें। अस 3 बंदे थे, बाकी छोटा बच्चा था, उसे गोदी जी का सिर पाड़िया मैं, वो फिर रुड़ गया बच्चा भी, ये भी रुड़ गया ही। फिर मम्मी छिड़ान गई, मम्मी भी फाड़ ली उन्होंने। भाई पहले बच्चे इतना लड़ाई हुई, बाद उन्होंने आके सिर से डंडा मार के मम्मी भी सिट ली, उसे 2 दांत तोड़ते ही।